हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ चैनल वंस अगेन। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं, काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, काफ़ी पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं रिगार्डिंग लैंग्वेज को लेकर के। उन्हें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बच्चे जब अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज। स्पेशली अगर वो ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ इंग्लिश इज़ नॉट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर वहाँ के लोकल बच्चों के लिए इंग्लिश इज़ नॉट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे कंट्रीज के लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़े इशू हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए मैं ये छोटा सा ट्रिक या बता लीजिए कंटेंट बताना चाहता हूँ, जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि आपके आप जिस कंट्री को चूज कर रहे हैं वहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर कितना ज़्यादा रहेगा। इसके लिए दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ उसमें से ये है कि आप जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वहाँ पर ये चेक करिए कि उस कंट्री में इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने पब्लिश होते हैं। मान लीजिए जैसे इंडिया में इतने सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इन जनरल इंग्लिश समझते हैं। उसी तरीके से आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं या जो भी कोर्स करने जा रहे हो, आपको अगर जानना है कि उस कंट्री में एटलीस्ट एडुकेटेड लोग, एटलीस्ट आपके टीचर इंग्लिश कितना फ्लुएंटली बोल पाएंगे, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप चेक करिए उस कंट्री में कितने सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं। और जरूर उसमें साथ साथ देखिएगा उसके सर्कुलेशन इन दैट कंट्री कितने हैं। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि अगर आप समझना चाहते हैं उस कंट्री में इंग्लिश ऑडियंस कितने हैं, मतलब लोग इन जनरल पब्लिक और इंग्लिश समझती है कि नहीं, आप एक और चीज चेक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जा करके चेक करिए कि उस कंट्री में इंग्लिश न्यूज होते हैं कि नहीं, मतलब बुलेटिन अगर वहाँ के न्यूज़ एजेंसीज या इंग्लिश चैनल है कि नहीं, या बुलेटिन पब्लिश होते हैं कि नहीं एवरीडे अबाउट द न्यूज़ ऑफ दैट कंट्री। ऐसा अगर इंग्लिश में उनके कंट्री में होती है, मतलब दूसरे कंट्री का न्यूज़ उस कंट्री के बारे में नहीं, उस कंट्री का इटसेल्फ अगर इंग्लिश बुलेटिन एग्जिस्ट करता है जो कि उनके नेशनल टीवी पे दिखाया जाता है, वो आप विकिपीडिया में सर्च करके आपको आइडिया हो जाएगा, तब भी आप समझ सकते हैं कि इस कंट्री में लोग इन जनरल एटलीस्ट एडुकेटेड लोग इंग्लिश समझते हैं और बोलते हैं। तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर जो टीचर्स भी रहेंगे वो भी एटलीस्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। और थर्ड मैं एक बहुत ही बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं काफ़ी यूज़ किया, कई बार यूज़ करता था जब मैं दूसरे कंट्री ट्रैवल करता था। आप अपना अगर आप उबर यूज़ करते हैं, उबर ऐप यूज़ करके उस कंट्री के एयरपोर्ट पे एज अ लोकेशन दे करके आप अगर एक कैब बुक करिए, जैसे ही आप एक कैब बुक करते हैं आपको एक नंबर मिल जाता है वहाँ के ड्राइवर का, आप उस ड्राइवर को फ़ोन लगाइए। 10-15 रुपये खर्च हो सकता है क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉल है, एक बार परमिशन ले लीजिएगा घर में कि इंटरनेशनल कॉल करने जा रहे हैं, और उससे बात करके एक बार 2 मिनट के लिए बात कम्युनिकेट करने का कोशिश करिए। अगर वहाँ पर एयरपोर्ट पे ड्राइवर इंग्लिश बोल पाता है उस कंट्री का, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर एटलीस्ट इंग्लिश इज अ बेसिक कम्युनिकेशन मेथड इन दैट कंट्री। और अगर एयरपोर्ट पे भी अगर एक ड्राइवर, चार पांच बार ये ट्रिक कर सकते हैं 2-3 दिनों में 4-5 लोगों से बात करके, तो अगर वहाँ पर भी इंग्लिश ड्राइवर्स को नहीं एकदम समझ में आती है, एकदम भी नहीं समझते, तो आप समझ जाइए उस कंट्री में इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी उतना ज़्यादा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली फिर आप उस कंट्री के लैंग्वेज को सीख करके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस छोटे से ट्रिक्स के साथ मैं ये छोटा सा वीडियो एंड करूंगा। हमारे एस्पायरिंग लाइफ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स और छोटे छोटे मेथड्स मैं आपको बताते रहूँ अबाउट ओवरसीज एजुकेशन एंड गोइंग अब्रॉड। थैंक यू।